हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और हम बात करेंगे लीब्रंस के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए ये मंथ नवंबर 2019 कैसे जाने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको टैरो रीडिंग के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी यानी कि गोचर से भी जो प्लैनेटरी चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी। स्पेशली मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें गुरु के चेंजेस, गुरु का परिवर्तन जो कि धनु राशि में हो रहा है 5 नवंबर को ही, उसके बारे में बताया है। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, बहुत अच्छी और पॉजिटिव मूवमेंट है। गुरु जो है वो गुड एनर्जी यानी कि पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे आप लोगों की लाइफ में। जो भी अभी तक चल रहा था हम सभी की लाइफ में, जनवरी से जो स्टिलनेस चल रही थी, जो स्लोनेस चल रही थी, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में कन्वर्ट होगी, नए कामों की शुरुआत होगी और वो बहुत बेटर के लिए होगी। तुला राशि वालों के लिए स्पेशली क्योंकि लगन में सूर्य हैं, आधे मंथ तक तो रहेंगे ही, बुध और मंगल भी हैं। हालांकि बुध वक्री होकर चल रहे हैं तो अपनी बोली पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की वजह से अगर कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस हैं तो वो अच्छे होंगे और बेटर के लिए होंगे। आपको एनर्जी मिलेगी और एक सही ढंग से एनर्जी मिलेगी। हालांकि 10 नवंबर को जब मार्स आएंगे तब एकदम से आपको एनर्जी लिफ्ट नहीं लगेगा, लेकिन 17-18 के बाद जब सूर्य वहां से चले जाएंगे तो आप एक चेंज महसूस करेंगे और बेटर के लिए महसूस करेंगे। वीनस आपके सेकेंड हाउस में है, ये की बहुत अच्छी न्यूज है और आपके लिए बेटर है। हालांकि वृश्चिक में मैं बहुत अच्छा वीनस को नहीं मानती हूं, पर फिर भी सेकेंड हाउस में वीनस की प्रेजेंस, क्योंकि इसका एक्चुअल हाउस सेकेंड है और सेवंथ हाउस है, तो ये लॉर्ड है सेकेंड हाउस का, तो अपना जो है काम जरूर करेगा इस हाउस में आकर, पैसे की जो आमदनी है वो बढ़ाएगा और आपको उसका बहुत फायदा होगा। पैसे का जो स्पेशली आपकी आर्थिक सिचुएशन है वो मूवमेंट में आएगी तो आपको अच्छा भी लगेगा। सैटर्न केतु और जो गुरु है वो आपके थर्ड हाउस में बैठेंगे। सैटर्न थर्ड हाउस में अच्छा है लेकिन अब आगे मूव करने वाले हैं, आपके फोर्थ हाउस में जाएंगे, माता के घर में बैठेंगे, तो थोड़ा माता की हेल्थ को लेकर आपको परेशानी लगी रह सकती है। इसके लिए आप केयरफुल हो जाइए, सैटर्न का दाप दान जरूर कीजिएगा। पीपल के पेड़ की सेवा अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपको सरकारी महकमे में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा और आपको इसका इम्पैक्ट भी बहुत पॉजिटिव आएगा। अगर हम बात करें स्पेशली सूर्य की, तो यू कैन शाइन लाइक अ स्टार, कोई राज की बात भी आपको पता चलेगी जो अपने बॉसेस से कंसर्न होगी तो वो अच्छी रहेगी। आपके ट्रांसफर के योग सामने से हैं, हो सकता है कि नवम्बर में ही आपकी ट्रांसफर हो जाए और आपका शिफ्ट ऑफ प्लेस जो है वो आपके लिए बेटर हो। किसी रिलेशनशिप में जरूर गैप पड़ सकता है पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप की भी कोई काम या ऑफर आपको आ सकती है जो आपकी फेवर में जाए। यू आर गोइंग टू लिव लाइक अ बटरफ्लाई, आजाद पंछी की तरह। जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें लॉस जरूर महसूस होगा पर अदरवाइज बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी फेवर में जाएंगी। यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, योर टैलेंट्स, योर क्रिएटिविटी, इट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू मेक यू मूव फॉरवर्ड। एसेस ऑफ पेंटिकल्स हैं, पैसे की जो आवाजाही बहुत कम हो गई थी फ्रेंड्स वो अब आ जाएंगे और ना केवल आएंगे, बहुत एक कंफर्ट जोन में आपको डाल जाएंगे जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। स्पेशली आपके नवंबर का मंथ जो है वो मिड नवंबर के आसपास आपको जो है वो चेंजेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगेंगे। जस्टिस यानी कि आप डिवाइन जस्टिस को भी महसूस करेंगे। जो स्टिलनेस है, जो स्टैंड स्टिल सिचुएशन है वो दूर होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो वो सॉल्व जरूर होंगे और वो आपकी फेवर में ही जाएंगे। एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं आपको, अब आगे कोई डिसीजन है तो वो आपकी फेवर में जा सकता है। यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ प्लैनेट, लाइक अ स्टार, लाइक सन। अपने आप को गाइड कीजिए, अपने आप को मंजिल पर लेकर जाइए फ्रेंड। ये वो समय है जब आपको अपने आप को खुद गाइड करना है और आगे लेकर जाना है। नोबडी एल्स इज गोइंग टू हेल्प यू, तो कोई बात नहीं, आप अपने प्रभु के साथ अपना नाम लेकर जरूर आगे बढ़िए। ये तो था लीब्रंस के लिए, तुला राशि वालों के लिए ये मंथ नवंबर 2019 कैसे जाएगा। आप प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा क्योंकि आगे मैं 2020 ईयर आपके लिए कैसे जाएगा ये भी वीडियोस अपलोड करूंगी। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।